गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर नंबर 4, बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। एज वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर टिल नाउ दैट हाउ वी अंडरस्टैंड एंड लर्न वी गेट नॉलेज अबाउट अर्ली ह्यूमंस प्रिमिटिव मैन। सो बेसिकली आई वुड क्विकली रिवाइज एंड मेक यू लर्न दैट वॉट वी रेड इन प्रीवियस वीडियो। स्टूडेंट्स, we learn that primitive men, early humans used tools। उन्होंने tools use किए, अलग अलग तरीके के tools, अलग अलग काम के लिए use किए और उन्हें basically hunters and gatherers कहा जाता है actually। क्योंकि उन्होंने पक्षियों को, जानवरों को मारा और मछलियों को मारा और वो वही खाते थे। उसके अलावा वो फल, फूल, पत्ते और पेड़ों के जड़ खाया करते थे। तो इन सब को निकालने के लिए वो अलग अलग वेपन्स का यूज़ करते थे। तो वो यूज़ करने के लिए कुछ वेपन्स बने होते थे आयरन के, कुछ बने होते थे बोन्स के, कुछ बने होते थे स्टोन के, स्टोन के बने होते थे, वुड के बने होते थे और बोन्स के बने होते थे। और अलग अलग चीज़ों का वो अलग अलग यूज़ करते थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत से नॉलेज गेन की कि कौन सी पेड़ के फल या कौन से पेड़ के जड़ खाने चाहिए, कौन से पेड़ हमारे काम का है और कौन सा जहरीला है। और उन्होंने ये भी बनाया कि उन्होंने एक भाषा, एक साइन की भाषा बनाई, सिम्बॉल की भाषा बनाई, जिससे वो ये बता सकते अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बता पाए कि कौन सा चीज़ खाने के लायक है और कौन सा नहीं है। स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू आर न्यू टॉपिक विद अ न्यू टॉपिक दैट इज डिस्कवरी ऑफ फायर। वेर एवर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रेमनेंट्स ऑफ द अर्ली मैन्स शेल्टर्स, एविडेंसेस ऑफ ऐश हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बाय दिस वी केम टू नो दैट अर्ली मैन हैड लर्न द यूज ऑफ फायर। Fire was used to cook raw food, protect them from wild animals and also for warmth and light। Students, हमें ये मालूम पड़ता है कि जो archaeologist, आपको मुझे explain करना पड़ेगा कि archaeologist क्या है। Archaeologist का मतलब होता है वो historians जो ये खोज और research करते हैं कि हमारे पहले कौन से इंसान रहते थे, हमारे पहले कौन थे और वो क्या करते थे। तो उन्हें यह मालूम पड़ा कि अर्ली मैंस जो थे, अर्ली प्रिमिटिव मैंस जो थे, वो शेल्टर्स बनाए करते थे और उन शेल्टर्स के पास में उन्हें बहुत से ऐसे एविडेंस मिले, यानी कि ऐसे सबूत मिले कि उन वो फायर यानी कि आग का भी उन्होंने आविष्कार किया था और वो उसका इस्तेमाल करते थे। बाय दिस वी कम टू नो दैट अर्ली मैन हैड लर्न द यूज ऑफ फायर। इसका मतलब यह है कि हमें मालूम पड़ रहा है ये इसके बाद कि वो फायर यानी कि आग का अच्छे तरीके से यूज़ करना जानते थे और वो यूज़ कर भी रहे थे। फायर वो यूज टू कुक रॉ फूड, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो फॉर वार्मथ एंड लाइट। आग का इस्तेमाल जैसे कि आज हम करते हैं खाना पकाने के लिए, तो वो भी खाना पकाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से, और गर्मी और लाइट के लिए वो आग का इस्तेमाल करते थे। स्टूडेंट्स, उस वक्त में आग का इम्पोर्टेंस इतना था क्योंकि उनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स से ये एक ही रास्ता था, अदरवाइज दे वुड हैव नॉट बीन सर्वाइव्ड। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। सो इफ यू नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम थिंक इफ यू वर नॉट अलाउड द यूज ऑफ फायर इन टूडेज वर्ल्ड, which facility will you not be able to get? Can food be cooked without fire in your kitchens? What will you? So I think we cannot cook food without the fire in our kitchen. But if we were not able to use fire, then हम अगर आग का इस्तेमाल नहीं कर पाते खाना पकाने के लिए तो हम पका के खाना कभी नहीं खा पाते। उसके जगह पे आज हम भी हंटर्स और
गैदरर्स की तरह आज कुछ भी रॉ फूड खा रहे होते, जैसे कि एनिमल्स का हंट करके उन्हें खाना पड़ता, या फिर हमें फल फूल पत्ते और पेड़ों के जड़ खाने पड़ते। तो मेरे ख्याल से हम बिना आग के खाना नहीं पका सकते। कैन यू थिंक ऑफ अ सिंगल डे इन द ईयर व्हेन फायर वॉज नॉट यूज्ड इन योर किचन? सो आज के समय में जब हम ये सब खाने के आदि नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से यस वी कैन नॉट थिंक अ सिंगल डे इन द ईयर व्हेन फायर वॉज नॉट इन यूज आवर किचन। सो नाउ वी विल रीड अ न्यू टॉपिक, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। स्टूडेंट्स, अगेन हियर आई वुड मार्क यू दैट यू शुड मस्ट मार्क इट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इट वॉज वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज एट दैट टाइम द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एरा। बिफोर द व्हील के पहले लोग अक्सर खाली जानवरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन व्हील आने के बाद वो उनकी लाइफ बहुत ही ईजी हो गई। आज हम कहाँ कहाँ नहीं व्हील यूज़ करते हैं। आज हमारी गाड़ियाँ व्हील्स की बेस पे चलती है, व्हील्स ही हमारे लाइफ को ईजी बना रही है। ट्रक्स, वी कैन सी ऑन ट्रक्स, कार्स, बाइक्स, इवन इन रेल। सो व्हील्स नहीं होते तो शायद आज हमारी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज बिलीव टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चों कि व्हील का आविष्कार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रांतिकारी इवोल्यूशन था अपने इंसानी हिस्ट्री में। थिंक ऑफ वेरियस वेज इन विच वी यूज द व्हील इन आर डे टू डे लाइफ। आज हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं, फिर हम बाइक यूज़ करते हैं, साइकिल यूज़ करते हैं, आज हम कार यूज़ करते हैं, एरोप्लेन यूज़ करते हैं। आज जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक व्हील का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सो आई थिंक दैट व्हील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। वेरी नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड ईजियर फॉर मैन एंड ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन हिज वे ऑफ लिविंग। Imagine what other revolutionary changes were possible in man's life because of the invention of the wheel. Invention जो wheel invent किया गया, इसके बाद जो transportation करना था, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे कि आप शहर में रहते हैं और आपको शहर से गांव में जाना है, तो आज आपको इसके लिए बहुत सी facilities हैं, जैसे कि आप car use कर सकते हैं, आप ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, आप इवन प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप कैसे कर रहे हैं, इसमें व्हील की एक बहुत ही अहम भूमिका थी, कि व्हील ने उस ज़माने से लेकर के आज तक हमारे ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही इजी और फास्ट कर दिया है। एक व्हील ने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया और ये बहुत ही ईजी कर दिया। सो नाउ we will stop on this topic itself and in the next topic we will continue from cattle rearing. Again, it is also one of the most important topic and we will discuss in the next video. Till then, I think that we all are clear at this point about what we read about the wheel. I hope you all must be enjoying and understanding what is the topic all about. We will continue from the next video. Till then, thank you.